नमस्कार, मैं प्रिया धारधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अभियंताओं के काम का मूल्यांकन करने के लिए विभाग ने एक विशेष कमेटी बनाई है, जिसके तहत बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर को कार्य दक्षता के आधार पर हटाया जाएगा। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पहले यह निर्णय लिया गया है कि 50 वर्ष से ऊपर वाले कर्मियों को कार्य दक्षता यानी इंजीनियर के काम के आधार पर नौकरी से जबरन हटाया जाए। भारत को T20 वर्ल्ड कप 2021 में अपने दूसरे मैच से पहले न्यूजीलैंड की तरफ से चेतावनी मिली है कि विदेश गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने मैच से एक दिन पहले साफ कर दिया है कि वो भारत के खिलाफ मुकाबले में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी का फायदा उसी तरह से उठाएंगे जिसे शाहीन अफरीदी ने किया था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के अनुसार बिहार में छठ महापर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी सिविल सर्जन को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन अपर निदेशक ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर कहा है कि छठ महापर्व के दौरान लोगों के डूबने, भगदड़ मचने इत्यादि कई अप्रिय घटनाएं घटी हैं, इसलिए छठ महापर्व के दौरान 8 नवंबर से 11 नवंबर तक जिलों में इस बाबत पहले से तैयारी कर ली जाए। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी की रविवार को अगरतला में सभा को लेकर उत्पन्न हुआ गतिरोध समाप्त हो गया है। अगरतला पुलिस ने 15 शर्तों के साथ अभिषेक बैनर्जी की अगरतला की सभा की अनुमति दे दी है। बिहार के अररिया में उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों को पुलिस ने पकड़ा है। उसने मात्र 900 रुपए खर्च कर भारत में प्रवेश कर लिया। कहा जा रहा है कि इसमें से एक लड़की को फेसबुक से यहां के एक युवक से प्यार हो गया था। वो अपने प्रेमी को पाने के लिए अन्य 2 लड़कियों के साथ भारत आ गई। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान विराट कोहली ने कहा कि हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट है। दरभंगा हरनगर के बीच रेल परिचालन को रेल मंत्रालय द्वारा आगामी 1 नवंबर से फिर से शुरू किए जाने की घोषणा का जदयू और एनडीए नेताओं ने स्वागत किया है। इस संबंध में त्वरित पहल के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के प्रति आभार प्रकट किया है। केंद्र की एनडीए सरकार के साथ साथ रेल मंत्री को साधुवाद भी दिया गया है। अफगानिस्तान में भुखमरी का संकट गहराता जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेताओं के बीच कड़ा संदेश दिया है। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि अफगानिस्तान की चिंता की जानी चाहिए क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है और आधी आबादी के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ नहीं होने का खतरा है। भारत और इटली के बीच हरित हाइड्रोजन के विकास, नवीनीकरणीय ऊर्जा गलियारे की स्थापना और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं पर मिलकर काम करने की सहमति बनी है। दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में आ रहे बदलाव को लेकर अपनी भागीदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। रोम में G20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के उनके समकक्ष मारियो ड्रागी के बीच पहली आमने सामने की बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये जानकारी सामने आई है। 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में हैं। शनिवार को यहां पीएम मोदी और विश्व के अन्य नेताओं ने रोमा कन्वेंशन सेंटर में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर आयोजित एक सत्र में हिस्सा लिया। T20 विश्व कप मैच में भारत और पाकिस्तान की जीत के बाद कथित रूप से भारत विरोधी संदेश साझा करने के आरोप में 3 कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए महबूबा मुफ्ती ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शक्तिशाली बनेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है और उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर फैसले न लेने का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की दादागिरी बहुत हुई। सन 2022 में गोवा सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियों ने नेता वोटरों को लुभाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों गोवा चुनावी दौरे पर है। शनिवार को राहुल गांधी ने एक अजब अजब रूप देखने को मिला। राहुल गांधी को देखकर लोग उस वक्त दंग रह गए जब वो सिक्योरिटी छोड़कर पायलट बाइक टैक्सी पर सवार हो गए। हिंदुओं की आस्था के केंद्र मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए RSS राज्यवार रणनीति बनाएगा। इस मुहिम में संघ स्थानीय जनमानस को भी जोड़ेगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के धारवाड़ में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि राज्य की स्थिति के अनुसार स्थानीय संगठन अपने स्तर पर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की रणनीति तय करेंगे और फिर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी कर कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित शोध के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, और तो और ऐसे लोग से परिवार के अन्य सदस्यों के भी संक्रमण में आने की संभावना 38% बढ़ जाती है। रूस में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। रूस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने दुनिया को कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन दी। राजधानी मॉस्को में कोरोना का कहर बढ़ने के कारण 11 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। सभी गैर जरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस में पिछले 24 घंटे में 40,096 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि युद्ध के लिए नए क्षेत्र क्षेत्रीय सीमाओं से हटकर नागरिक समाजों में आ गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जैविक उपकरणों को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। अजीत डोभाल ने कहा कि रोगाणुओं को जानबूझकर हथियार के रूप में दिया जाना एक गंभीर चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी और राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आज बीएसपी के 6 निलंबित और भाजपा के एक विधायक ने एसपी की सदस्यता ली। इन सभी विधायकों ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। केंद्र सरकार की तरफ से इंदौर को 3 नई फ्लाइट की सौगात मिलने जा रही है। इंदौर से उड़ने वाली फ्लाइट में एक यूपी, एक राजस्थान और एक गुजरात के लिए होगी। इन तीनों नई फ्लाइट का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगामी 31 अक्टूबर को इंदौर से करेंगे। सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअली शिरकत करेंगे और विमान सेवा की शुरुआत करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन जारी है और वो महागठबंधन में शामिल है। लालू प्रसाद का ये बयान उस समय आया है जब बिहार में दो सीट तारापुर और कुशेश्वरस्थान में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं, और लालू प्रसाद ने कहा है कि उनकी पार्टी तारापुर और कुशेश्वरस्थान उपचुनाव में भारी मतों से चुनाव जीतने वाली है। विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट CETonline.karnataka.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की तरफ से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग झील में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कामेंग नदी का पानी अचानक काला दिखाई देने लगा और देखते देखते हजारों की संख्या में मछलियों की जान चली गई। ये जानकारी शनिवार को अधिकारियों की तरफ से सामने आई है। केंद्र यमुना जैसी गंगा की विभिन्न सहायक नदियों में निर्बाध प्रवाह के लिए पानी के न्यूनतम प्रवाह की सीमा निर्धारित करने की योजना बना रही है, जिससे इसकी सफाई सुनिश्चित होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। मंगलसूत्र वाले विवादित एड कैंपेन को लेकर सोशल मीडिया से आलोचनाओं का सामना कर रहे जाने माने फैशन और ज्वेलरी डिजाइनर सभ्यसाची मुखर्जी अब कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलसूत्र के विवादित एड पर फैशन डिजाइनर सभ्यसाची मुखर्जी को भाजपा के लीगल एडवाइजर ने लीगल नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र में पालघर जिले के भाजपा के कानूनी सलाहकार एडवोकेट आशुतोष दुबे ने शनिवार को फैशन डिजाइनर सभ्यसाची मुखर्जी को मंगलसूत्र वाले विज्ञापन में मॉडल का उपयोग करने और फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया है। ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में पाकिस्तान को 9वें स्थान पर रखा है। इस वैश्विक सूचकांक में उन देशों को शामिल किया जाता है जहां पत्रकार के जान लेने और साजिशकर्ता छुट्टा घूम रहे होते हैं या फिर उनकी सजा माफ कर दी जाती है। जियो न्यूज के मुताबिक वर्ष 2008 में सूचकांक की शुरुआत से ही पाकिस्तान इसमें शामिल रहा है। कोरोना के बीच कर्नाटक सरकार ने शनिवार को दिवाली को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य ने केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दी है और लोगों को शारीरिक दूरी समेत कोरोना संबंधी अन्य मानदंडों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। दिवाली के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि केवल अनुमति वाले विक्रेता ही 1 नवम्बर से 10 नवम्बर के बीच आवासीय क्षेत्रों के बाहर तय स्थानों पर ग्रीन क्रैकर्स बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद अब 1 नवंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। इस दौरान सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाएगा। हालांकि 9वीं से 12वीं के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में खोले जा चुके हैं, लेकिन अब एक दिन बाद यानी कि 1 नवंबर से स्कूल खोलने के लिए डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में स्कूल जाने वाले स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स ये दिशा निर्देश चेक कर सकते हैं। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 5 दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। ऐसे में दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा की सरकार को इस प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। शनिवार सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब हवा में PM 2.5 का स्तर 319 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पहुंच गया।
पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कोरोना नियंत्रण में दिख रहा है। चार राज्य अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड में कोरोना के नए मरीजों की संख्या प्रतिदिन कम दर्ज हो रही है। इन राज्यों में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, जिसके बाद त्रिपुरा सरकार के मुताबिक उन राज्यों के यात्रियों के लिए त्रिपुरा में प्रवेश के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है, जहां 30 अक्टूबर से एक से अधिक जिलों में पॉजिटिविटी दर 5% या उससे अधिक है। भले ही 30 अक्टूबर से COVID-19 टीकाकरण की स्थिति कुछ भी हो, देश में कोरोना के मामले पिछले कई दिनों से स्थिर बने हुए हैं। कई दिनों से 14,000 से 15,000 मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच जान गंवाने वालों की संख्या में कुछ इजाफा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में देश में 559 COVID-19 संक्रमित लोगों की जान गई है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में COVID-19 के 14,313 नए मामले आने और 549 मरीजों की जान जाने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,42,60,470 पर पहुंच गई है, जबकि जान गंवाने वालों की संख्या 4,57,740 पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहित रसीला, कृष्णा दुबे, संजू यादव, जयप्रकाश, राजेश सोंथियाल, सिंटू कुमार, मनीष कुमार, नीतीश कुमार, महेश दास, मृगेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार, कुमार संतोष, संजू यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ने का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।